हेलो दोस्तों, मैं मोइन खान आपका स्वागत करता हूं टच ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 5.15 की, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे क्या विविध प्रश्नावली की। लास्ट क्लास हमने बात करी थी रोलेस थ्योरम यानी कि मीन वैल्यू थ्योरम की, हमने प्रॉपर कंप्लीट बात करी थी, ठीक है। मैंने आपसे कहा था उनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का या 5 मार्क्स का आता ही आता है। वो तो पेपर के ऊपर डिपेंड करता है कि पेपर यानी कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके हार्ड हैं तो ये 5 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन बनेगा। अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स के इजी हैं तो ये आपके यानी कि 2 मार्क्स में बन जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन के ऊपर होता है, पेपर के ऊपर होता है कितने मार्क्स का दिया जाएगा, लेकिन मैक्सिमम 2 मार्क्स 5 मार्क्स में देखा गया। तो विविध प्रश्नावली, जैसा कि मैंने हर बार कहता हूँ कि विविध प्रश्नावली जो होती है वो प्रॉपर चैप्टर क्या होती है, बिल्कुल आप भी याद हो गया हुआ जान होती है ना। यानी कि इसमें हमको आइडिया नहीं होता है कि चीज़ें क्या हैं कैसे नहीं, क्योंकि हर एक्सरसाइज पर्टिकुलर एक या दो कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस होती है, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट क्लियर है यानी कि पढ़ लिया, क्वेश्चन लगा लिया, कहानी खत्म। लेकिन विविध में ऐसा होता है कौन सी चीज़ कहाँ से आ जाएगी वो आपको माइंड लगाना पड़ेगा, देन आप आगे मूव कर पाएंगे। तो इस प्रॉपर क्लास में हम लोग वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पेपर में कई बार देखे गए हैं, जो क्वेश्चन आपके बच जाते हैं वो प्रॉपर आपको नोट्स में मिल जाते हैं देन। लेकिन आप सबसे पहले ट्राई करिएगा, अगर नहीं आता है देन आप हमसे कॉन्टेक्ट करिएगा, चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। लेकिन आपको पढ़ना है और मेहनत करनी है तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ बोला गया नॉर्मल क्या है, यहाँ पे हमने स्टेटमेंट नहीं लिखी, यहाँ बोला गया कि आपको एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। जितने भी क्वेश्चन यानी कि 1 से 11 तक हैं सबको में क्या करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो सिंपल सी बात, यहाँ क्या होगा, सबसे पहले सर यहाँ करेंगे पावर का, देन हम करेंगे इसका, ठीक है। इसलिए हमने कहा x की पावर 9, तो आप कहेंगे सर 9x की पावर 8, उसके बाद x करेंगे 1 हो जाएगा, ये तो काम करते थे, बिल्कुल वही काम करना। लेकिन सबसे पहले फंक्शन जो है कोई चीज़ मानी नहीं गई है, तो यहाँ सबसे पहले ले लेंगे क्या y इक्वल टू हम लोग यूज कर लेते थे। मैंने आपसे कहा था जब फंक्शन दिया जाए किसी फॉर्मेट तो अच्छी बात नहीं है, तो हमेशा हम लोग y के फॉर्म में जाएंगे जब अवकलन करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमसे बोला गया है क्या x के सापेक्ष ही करना है, तो यही चीज़ हमको लिखनी है क्योंकि फंक्शन भी आपका x में दे रखा है। कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा dy बाई यहाँ पे हो जाएगा dx, पावर का करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9 3x² माइनस का 9x प्लस का 5, यहाँ पे क्या 9 माइनस 1 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर मैं करूँगा कितना dy dx करूँगा, किसका, इसका करूँगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3x² माइनस का 9x प्लस के यहाँ पे हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा dy, ये आपका dx हो जाएगा, यहाँ पे 9 रहेगा, 3x² माइनस का 9x प्लस का 5। तो उम्मीद करें ये चीज़ें आपको समझ आई होगी। पहले क्या, पहले हमने पावर किया, ये सपोज करेंगे क्या, सपोज करेंगे x है, कंप्लीट मान लेंगे x, x की पावर 9 होता है क्या होता है 9x की पावर 8 बनता है, तो देखो 9x की पावर 8 वापस हम x का करते थे, ठीक है, तो 1 हो जाता था। लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा अलग चीज़ें हैं तो इसको हम लोग करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे देखिए 3 कांस्टेंट था, बाहर निकाला x² करेंगे कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, वो यहाँ राइट कर लिए, माइनस का 9 ऐसे लिखा, 1x का करेंगे 1 आ जाएगा, और इसका क्या होता है, इसका सर 0 हो जाता है, ठीक है। तो बहुत नॉर्मल है, चीज़ें मैंने आपको सब सिखा रखी है, उसी अकॉर्डिंग यहाँ काम कर रहे हैं और कुछ ऐसा नहीं कर रहे जिसको आपको मैंने बताया ना हो। चलिए ये 9 लिखा, थोड़ा सा इसको पहले सिंप्लीफाई कर ले, 3 का मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे कितना आ जाएगा सर 6 हो जाएगा, x 7 में 7 हो जाएगा, यहाँ माइनस 9 हो जाएगा, बाकी सब काम खत्म। बाकी जैसा ये लिखा उसको हम लोग ऐसे राइट कर देंगे कितना 3x² माइनस का 9x प्लस का 5 की पावर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं सारी चीज़ें बिल्कुल आपको अच्छे से समझ आई होगी। ये पहला क्वेश्चन था तो थोड़ा सा इजी था, इसी वजह से मैंने कराया, प्रॉपर पहले ही एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन तो कराना ही बनता है, इसलिए मैंने करा दिया, ठीक है। लेकिन अब चलिए हम बात करते हैं, ये ऐसा नहीं कि ये आएगा नहीं, ये आता है, 1 मार्कर का आपको क्वेश्चन बनता है, आपको ये डायरेक्ट निकालना पड़ता है, या ऑप्शन में बेस आ जाएगा आपको टिक मारना होगा, या 1 मार्कर क्वेश्चन आपको थोड़ा सा करना होगा। तो नॉर्मल सा काम है, उम्मीद करते हैं आपको आता होगा। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमने यहाँ पे 3rd लिया, क्वेश्चन नंबर 2nd हमने स्किप किया क्योंकि क्वेश्चन बहुत नॉर्मल सा था, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन में करा चुका आपको। क्वेश्चन नंबर 3rd देखिए यहां क्या बन रहा है सर, यहां बन रहा है फंक्शन की पावर फंक्शन, और मैंने आपसे कहा था सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो भी हो देख रहे सर फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो सिंपल सी बात कुछ नहीं सोचना है, हमेशा सोचना क्या टेकिंग लॉग बोथ साइड, आपको यही काम करना है। अगर जब कोई यहां पे चीज ऐड या सबट्रैक्ट ना हो तब, ठीक है, तो प्रॉपर एक ही चीज लिखी है, देन सबसे पहले मैं यहां राइट करूंगा क्या सॉल्यूशन, उसके बाद यहां लिखूंगा y = कितना 5x की पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे कॉस हो जाएगा, यह आपका 2x आ जाएगा।
तो ये सब चीज़ें इतनी बनेंगी, ठीक है। अब यहाँ क्या है, यहाँ पे देखिए फंक्शन की पावर फंक्शन बन रहा है, तो मैंने आपसे कहा था जब फंक्शन की पावर फंक्शन बने और वो चीज़ आपकी अकेली हो तो क्या करना, दोनों बच्चों में आपको लॉग लेना है, ठीक है। जब मैंने एक्सरसाइज 5.5 करा रहा था चीज़ें सब इसी के ऊपर बेस्ड थी, तो यहाँ लिखना है क्या, दोनों बच्चों में लॉग लेने पर, जब यहाँ लॉग लेंगे कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा लॉग वाई हो जाएगा, और यहाँ पर लॉग लेंगे लॉग 5x की पावर हो जाएगा कितना 3 cos 2x हो जाएगा, ठीक है। तो log m की पावर n क्या होता था, n जो होता था वो आगे आता था, यहाँ पे आ जाएगा कितना 3 आ जाएगा, cos आ जाएगा 2x रहेगा, और log यहाँ पे आ जाएगा 5x हो जाएगा, बाकी यहाँ चल रहा है कितना log y चल रहा है। सब चीज़ें बढ़िया हो गई, अब क्या करना है, सीधा सारा डिफ्रेंशिएशन करना है। यहाँ पे लॉग वाला प्रॉपर्टी लगेगी, यहाँ पे लगेगी गुणन विधि लगेगी, क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन आपके आ गए हैं ना, तो यहाँ लिखना है क्या, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कितना हो जाएगा लॉग एक्स का 1/x है, लेकिन यहाँ वाई है तो वाई आ जाएगा, फिर आ जाएगा डी वाई वाई, यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स आएगा। इक्वल लगाएंगे, तीन कॉन्स्टेंट हम बाहर निकाल लेते हैं अभी। अब इस कॉस 2x का हम लोग रोक लेंगे, तो कॉस 2x को रोका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। लॉग इसका करेंगे तो जो भी x लॉग के साथ लगा होता है वो नीचे आता है, 1/5x आएगा। वापस जाके इस 5x करेंगे तो 5 कॉन्स्टेंट बाहर आएगा, x का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, करने कोई ज़रूरत नहीं है। प्लस लगाया, फिर यहाँ पर लिखा लॉग 5x ऐसे लिखा, फिर यह करेंगे कॉस 2x का, कॉस 2x का कितना माइनस का आ जाएगा, कितना साइन 2x आ जाएगा, वापस 2x करेंगे कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि x का 1 हो जाएगा। ये लगाते हैं यहाँ ब्रैकेट, अब ध्यान से देखिए 5 से क्या हो जाएगा, 5 रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ क्या चल रहा है, 1/y चल रहा है, चलने दीजिए, यहाँ पे चल रहा है dy/dx, वो राइट कर देंगे, यहाँ लगाएंगे, यहाँ 3 लिखा तो यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा cos 2x / यहाँ पे आ जाएगा x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कितना sin 2x आ जाएगा, और ये हो जाएगा log 5x आ जाएगा, ये सब चीज़ें बन जाएंगी। अब देखिए y का मल्टीप्लाई इधर कर दें, क्योंकि प्रॉपर हम लोग यही काम करते थे, जब y dy/dx से राइट करेंगे यहाँ पे, और ये y यहाँ डिवाइड में उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 3y हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना cos 2x / x हो जाएगा, माइनस का यहाँ हो जाएगा 2 sin 2x, और यहाँ पर रहेगा कितना log। अब क्या क्या करेंगे, अब काम ये करेंगे y की वैल्यू जो प्रॉपर थी वो यहीं रख देंगे, आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे कितना dy/dx जो चल रहा था वो राइट करेंगे, और यहाँ पे 3 था, 3 लिखा हमने, y की वैल्यू कितनी थी, y की वैल्यू ये थी कितनी 5x की पावर 3 cos 2x, हमने ये राइट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रैकेट में जो था यानी क्या ये था, तो हम यहाँ पे राइट कर देते हैं, कह रहे हैं सारी चीज़ें बिल्कुल समझ आई होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन को आपको समझना है, किस तरह आपको बताया गया था, क्या क्या चीज़ें सर ने बताई थी, उसको आपको माइंड में रखना, अगर वो सब चीज़ें आप माइंड में रखते हैं तो चीज़ें बहुत क्लियर होने वाली हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो उम्मीद करें सारी चीज़ें बिल्कुल समझ आ रही होगी। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। जो क्वेश्चन मैं बीच में स्किप कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन उस तरह के हमने आपको बता चुका हूँ, उसमें कोई चीज़ नहीं लगने की जरूरत नहीं, प्रॉपर जाके आप वहां पर देखिए क्या चीज कैसे बताई गई थी, उस अकॉर्डिंग करिए, चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी, ठीक है। तो प्रॉपर आपको चीज आपको नोट्स में मिल जाएगी, लेकिन प्रॉपर आप पहले अपने आप से करेंगे चीजें, तभी क्लियर होंगी। चलिए यहां देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। अब इसको आप नॉर्मल करने जाएंगे तो आपको पता है कॉर्ड इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पता है कितना होता है, माइनस का 1/1 + x² होता है, ठीक है। हम कंप्लीट एक मिनट के लिए मान लेंगे कि ये क्या जी पूरा लिखा हो या आपका एक्स लिखा, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो चीज़ें बहुत टिपिकल होती जाएंगी, इतना आप नहीं कर सकते, ठीक है। सिंपल से क्या करना है, सबसे पहले जो खतरनाक जो जो फंक्शन दिखे उसका हमको ऐसे डिफरेंशिएशन करना है, तो उस फंक्शन को पहले थोड़ा सा रिड्यूस करके यानी कि कम में बना लेना है, जब ये कम में बन जाएगा तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी, आराम से हम लोग वो कर लेंगे। तो पहले क्या करना है, पहले सिंप्लीफाई करना, देन सबसे पहले क्या लिखूंगा, यहाँ y = मैं राइट करूंगा, ये चीज़ जो लिखी हुई प्रॉपर हमने यहाँ पर राइट कर दिया। अब सिंपल सी बात, थोड़ा सा आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा होगा, इसको सॉल्व करना आपको उम्मीद करते आता होगा। क्या करना है सर, चैप्टर नंबर 2 सर इनवर्स जो था वहाँ पर हमने देखा था कॉट इनवर्स, तो अंदर सर हम कॉर्ड बनाने की कोशिश करते थे, क्योंकि जो सर बाहर होता था वही हम अंदर बनाने की कोशिश करते थे, यानी कि उसके जस्ट अपोजिट, ठीक है। तो जब वो वहां से रिमूव हो जाता था, क्योंकि आपको पता है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स कितना होता था, एक्स होता था, साइन इनवर्स साइन रिमूव हो जाता फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, उस तरह यहां कॉट इनवर्स अंदर से कॉर्ड बन जाएगा, तो सर कॉट से कॉट चला जाएगा, चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो वही कोशिश करी जाएगी, सबसे पहले इसकी हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं, देन हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे, सामने यहां पुट कर देंगे, फिर देखेंगे कुछ ब्रेक होगा क्या नहीं। थोड़ा सा इधर देखिएगा, जैसे यहां लिखा कितना 1 + sin x, ठीक है, मैं थोड़ा इधर इसको अलग करूंगा, चीज़ें क्लियर होंगी। क्या मैं 1 + sin x जो लिखा मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, cos²(x/2) + sin²(x/2) + 2 sin
एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा। इसलिए वन वन को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, बिल्कुल सर लिख सकते हैं क्योंकि सर वहाँ एक्स है वहाँ एक्स तो वैल्यू वन होती है। सर यहाँ वन बाई टू हो गया वहाँ बाई टू हो गया वैल्यू वन हो गई, ठीक है चलिए सर वही काम यहाँ पर किया। लेकिन सर सवाल उठता है सर आपने साइन स्क्वायर को पहले क्यों नहीं लिया, पहले कॉस स्क्वायर क्यों नहीं लिया। याद रखिएगा बच्चा जब भी आपका यहाँ पे कॉट है अंदर कॉट बनाने की ज़रूरत है तो आप हमेशा यानी क्या जो भी फॉर्मूला बनाएंगे वो अपना कॉस पहले आएगा साइन बाद में आएगा, बात समझ रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पे टैन होता तो यहाँ पे क्या आता साइन पहले आता कॉस बाद में आता। इतनी चीज़ें आप याद रखिएगा चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी, ठीक है। तो मैं जब इस चीज़ को थोड़ा सा आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी फॉर्मूला बन रहा है कितना आ जाएगा यहाँ पे कॉस एक्स बाई टू आ जाएगा प्लस का साइन एक्स बाई टू आ जाएगा, इसका क्या हो जाएगा इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा समझते रहिएगा इतनी कहानी यहाँ बन गई। जब ये सब चीज़ें सर क्लियर हो गई कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सर यहाँ पे सर ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन सकता था या बी प्लस ए का भी फॉर्मूला बन सकता था, कहने का मेरा मतलब ये साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर बन सकता था, बिल्कुल बन सकता था। लेकिन मैंने कहा नहीं यहाँ कॉट है तो आपको यहाँ पे कॉस पहले लेना पड़ेगा, बस समझ आई इसी तरह आपको रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ हमने निकाल लिया क्या वन प्लस साइन एक्स निकाल लिया, लेकिन हमको चाहिए क्या हमको सर रूट में चाहिए था। जब इसके ऊपर रूट लगाएंगे हम लोग तो हमको वहाँ भी रूट लगाना पड़ेगा, ठीक है। जब हम सर वहाँ रूट लगाएंगे तो रूट से क्या होगा स्क्वायर आपका क्या होता है आपका रिमूव हो जाएगा। जब रिमूव हो जाएगा क्या बनाएगा आप कॉस एक्स बाई टू प्लस का साइन एक्स बाई टू बनाएगा, क्लियर बात। तो ये चीज़ हो गई। तो इसी तरह हम लोग क्या लिखेंगे इसी प्रकार हम लोग अब ये माइनस वाली वैल्यू भी लिख लेते हैं, ठीक है। इतना काम नहीं करना पड़ेगा अब यहाँ पे आपको इसी प्रकार यानी कि यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस आया वहाँ माइनस का निकाल लेते तो वहाँ पे माइनस आएगा। तो इसी तरह हम लोग निकालेंगे कितना अंडर रूट वन माइनस का साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे आ जाएगी कॉस एक्स बाई टू माइनस कितना हो जाएगा साइन एक्स बाई टू हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं क्या करूँगा इसको रिमूव करूँगा यानी कि वन जो रूट वन प्लस साइन एक्स की वैल्यू निकाली ये हम यहाँ पे रखेंगे, जो माइनस वाली वैल्यू निकाली वो यहाँ रखेंगे, यहाँ पे प्लस वाली यहाँ पे माइनस वाली पुट करते हैं देन आगे बात करेंगे। सबसे पहले क्या करना है सबसे पहले आपको सेम यही प्रोसीजर करना है यहाँ तक हो जाएगा देन उसके बाद वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट करने जा रहे हैं। थोड़ा सा मैं इसको अरेंज करूँगा फिर आगे बात करता हूँ। इक्वल टू कॉट इनवर्स लिखा इसकी वैल्यू हमने निकाली थी कितनी कॉस एक्स बाई टू प्लस का साइन एक्स बाई टू, इसकी वैल्यू हमने निकाली सर यही तो निकली थी बल्कि यहाँ पे माइनस आया था, ठीक है। तो ये सर यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस आ जाएगा। जो चीज़ आपको बोली गई है क्योंकि बाहर कॉट है तो अंदर हमको कॉट बनाना पड़ेगा तो कॉस को पहले लेना पड़ेगा, ये चीज़ आप माइंड में रखिएगा, ठीक है। अपॉन में हो जाएगा यहाँ पे क्या रहेगा यहाँ पे ऐसे रहेगा कॉस एक्स बाई टू प्लस का यहाँ पे हो जाएगा कितना साइन एक्स बाई टू, ठीक है। ये माइनस अब यहाँ पे क्या होगा यहाँ प्रॉपर क्या हो जाएगा ये माइनस था ये चीज़ आएगी लेकिन अंदर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाले क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएगा, प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। उम्मीद करें सारी चीज़ें बिल्कुल आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो चलिए ये आ गया। अब यहाँ देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इससे आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉस से कॉस कितना हो जाएगा टू कॉस एक्स बाई टू, साइन से साइन कितना हो जाएगा टू एक्स बाई टू, ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर आ जाएगी कॉट इनवर्स यहाँ कितना आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा कॉट एक्स बाई टू हो जाएगा, ठीक है। तो कॉट से कॉट क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा क्योंकि हमने इनवर्स सर फॉर्मूला पढ़ रखा है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा एक्स बाई टू आ जाएगा। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन था हमने इसको इधर कर दिया, अब क्या करना नॉर्मल सर हमको डिफरेंशिएशन करना है तो यहाँ लिख देंगे क्या डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बाई आपका यहाँ पर डी एक्स आ जाएगा इक्वल टू वन अपॉइंट टू कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा एक्स करेंगे वन हो जाएगा, वापस कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन टू हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं सारी चीज़ें बिल्कुल आपको अच्छे समझ आ रही होगी, अगर कोई दिक्कत है देना आप हमसे कॉन्टेक्ट करिएगा चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नंबर आपका सेवन लिखा है क्या लॉग एक्स की पावर लॉग एक्स, ठीक है। तो देखो यहाँ फंक्शन की पावर यहाँ भी फंक्शन बना और दोनों फंक्शन सेम है कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन है तो फंक्शन की पावर फंक्शन और अकेले लिखे हुए। तो मैंने आपसे क्या कहा था जब फंक्शन की पावर फंक्शन बने तो हमेशा आपको बिना कुछ देखे सुने कुछ क्या करना है हमेशा आपको वाई यानी कि लॉग लेट करना है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले सर इसको कुछ कोई नाम दे देते हैं यानी कि हमने दे दिया लॉग यानी कि वाई दे दिया तो ये आपका हो जाएगा वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स की पावर एक्स हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे क्या दोनों पक्षों में लॉग लेने पर लॉग लेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा लॉग वाई आ जाएगा इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा यहाँ पे लॉग हो जाएगा
ये आपका हो जाएगा log x की पावर कितना हो जाएगा, log x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए log m की पावर n बन रहा है तो ये आपका ये log बाहर आ जाएगा, यहाँ पे log x हो जाएगा, फिर यहाँ पे log इस log के साथ log x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है आपका log y। तो इतना चाहिए नॉर्मल, उम्मीद करते पता होगा आपको। अब यहाँ देखिए यहाँ भी दो फंक्शन है, यानी कि यहाँ सर गुणन विधि लगेगी, यहाँ नॉर्मल लगेगा। तो यहाँ कर देंगे क्या, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। बस जो चीज़ आपको सिखाई गई है उसी के ऊपर काम करिए, ऐसे कोई चीज़ नहीं है जो आ जाए जो आपको बताया ना जाए। आपको मैं एक एक चीज़ बताऊंगा, कौन सी यूज कैसे कैसे यूज करनी है वो बताऊंगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो log x का 1/x, लेकिन सर y था तो y हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा dy/dx हो जाएगा। इक्वल टू लगाएंगे तो log x को एक मिनट के लिए हमने रोक लिया, हमने इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो आपको पता है log के साथ जो लगा होता है वो कहाँ आता है, नीचे आता है। तो इस log के साथ ये लगा था तो यहाँ पे log x आ जाएगा, उसके बाद इस log x का करेंगे कितना होता है 1/x होता है, फिर इस x का करेंगे 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे log लिखा है, ये आपका log x लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा log x का 1/x हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले क्या किया, पहले हमने इसको रोका, इसका किया था ये आया, फिर इसको हमने रोका ऐसा किया, ये कहानी आ गई। अब थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, इस log x से ये log x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी ये 1/x है, यहाँ भी 1/x, तो 1/x कॉमन आ जाएगा, बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा स्टार्टिंग में, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा log, और ब्रैकेट में कितना बचेगा log x बचेगा आपका, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ बचेंगी, और यहाँ क्या चल रहा है 1/y चल रहा है, और क्या चल रहा है यहाँ पर dy/dx चल रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा dy/dx इक्वल टू वाई हो जाएगा, और यहाँ पर अपॉन में x है तो x चलने दीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा 1+ का log, ये आपका हो जाएगा log x हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ यहाँ पे आ गई। और y की वैल्यू हमने क्या लीड की, ये लीड की थी y की जगह में, यहाँ पे रख देंगे तो अपना क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा dy/dx आ जाएगा आपका, y की जगह हम लोग यहाँ रखेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा log x की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा log x, ये आ जाएगा यहाँ पे अपॉन में x चल रहा है, x चलने दीजिए, यहाँ ब्रेकेट में कितना है 1+ का log रहेगा आपका, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा log x आ जाएगा। तो उम्मीद करें सारी चीज़ें बिल्कुल आपको अच्छे समझ आ रही होगी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको करने हैं, और ये क्वेश्चन मोस्टली कई बार एग्जाम में देखे गए हैं। अब जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन हो, यहाँ पे क्या साइन की पावर cos दे दे, क्या दिक्कत है, हमको करना तो सर हमको अपने मेथड से ना, सिंपल सा यही फंडा आपको अपनाना है, चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो उम्मीद करें सारी चीज़ें बिल्कुल समझ आ रही होगी। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 10 लिखा है क्या, x की पावर x प्लस x की पावर a प्लस a की पावर x प्लस a की पावर a, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में देखो, यहाँ फंक्शन की पावर फंक्शन है और सारे फंक्शन आपके ऐड में है। तो मैंने कहा था जब फंक्शन की पावर फंक्शन बने और फंक्शन के साथ दो या दो से ज़्यादा या एक से ज़्यादा फंक्शन आए, तो हमेशा क्या करना है आपको, उसको तो वाई तो लेट करना ही लेट करना है टोटल को, लेकिन उसके बाद आपको क्या यू वी डब्ल्यू इस तरह आपको चीज़ें माननी है ना, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताया था। तो यहाँ सिंपल सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स, फिर यहाँ पे आएगा एक्स की पावर ए आएगा, ए की पावर एक्स आएगा प्लस ए की पावर ए आ जाएगा, ये कहानी हो जाएगी। देन मैंने आपसे कहा था क्या, यहाँ पे आपको लेट करना पड़ेगा या पुट करना पड़ेगा, जो भी कह सकते हैं आप, पहले वाले को यू यानी एक्स की पावर एक, जब इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो मैं इस तरह का बता रहा हूँ आपको, है ना। तो वी की जगह क्या हो जाएगा, एक्स की पावर ए हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका डब्ल्यू हो जाएगा, डब्ल्यू क्या ए की पावर आपका एक्स हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा जेड, जेड कितना हो जाएगा ए की पावर ए हो जाएगा, ठीक है। अब आगे जितने भी हो गए हम इसी तरह मानते रहेंगे अपने हिसाब से। जब इस तरह कहानी हो जाएगी तो आगे क्या आएगा, वाई इक्वल टू इसकी जगह क्या हो जाएगा यू हो जाएगा, तो यहाँ पे यू रखेंगे, फिर यहाँ वी आएगा, फिर यहाँ डब्ल्यू आएगा, फिर यहाँ पे जेड आ जाएगा। हमको डिफ्रेंशिएशन करना है एक्स के साथ पेज, हमने करेंगे क्या आएगा dy/dx आ जाएगा, यहाँ पे आएगा du/dx आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कितना dv/dx आ जाएगा, और इधर इस तरह चलता रहेगा कितना dw/dx आ जाएगा प्लस का dz/dx आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। ये चीज़ आपकी देखो हो गई, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, अब हमको सबको जानी कि हमको du/dx निकालना पड़ेगा, dv/dx निकालना पड़ेगा, dw/dx निकालना पड़ेगा, सबकी वैल्यू निकाल के यहाँ आके रख देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे यू इज इक्वल टू कितना दे रखा है, एक्स की पावर एक्स दे रखा है, यानी कि फंक्शन की पावर फंक्शन, यानी क्या लेना है सर, लॉग लेना है। जब यहाँ पे लॉग लेंगे दोनों पक्षों में तो कितना बन जाएगा, लॉग यू बन जाएगा, और यहाँ बन जाएगा लॉग एक्स की पावर एक्स बन जाएगा, क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा, log x हो जाएगा, क्योंकि m की पावर n वाला रूल जाएगा, यहाँ पे ये चीज़ बन जाएगी। नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन करना कितना हो जाएगा, 1/u, ये आपका हो जाएगा du/dx हो जाएगा इक्वल टू x को रोकेंगे log x का 1/x, फिर सर log x को रोकेंगे x का करेंगे 1 हो जाएगा,
इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यू को हम इधर भेज देंगे तो यहाँ चल रहा है वन प्लस का लॉग एक्स चल रहा है, चलने दीजिए, तो यहाँ पे आ गया कितना डी यू बाई डी एक्स चल रहा है। ठीक है, तो ये कहानी हो गई। अब देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका चलेगा डी यू बाई डी एक्स, कितना आ जाएगा u की वैल्यू हम लोग रख देते हैं कितना x की पावर x और उसके बाद 1 प्लस का log। तो ये चीज तो हमने निकाल ली, अब क्या निकालना आपको dv by dx से, ये तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा v इक्वल टू कितना दे रखा है x की पावर a। यहाँ पे देखिए फंक्शन की पावर फंक्शन नहीं, यहाँ फंक्शन की पावर कांस्टेंट है, यानी कि एक या टू होगा थ्री होगा इस तरह कांस्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पे अल्फाबेट वाला गया क्या दिक्कत है ना, वो भी इसी तरह टू टू यानी एक्स की पावर एन वाला फॉर्मला लगेगा, क्या होता था एन एक्स एन माइनस वन, यहाँ पे ए है तो ए एक्स ए माइनस वन ये हो जाएगा। ये नॉर्मल डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आएगा dv by dx आएगा, यहाँ हो जाएगा ए एक्स ए माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ x की पावर x होता तो मैं यही लगाता, या x की पावर साइन होता तब मैं यही लॉग लेता, लेकिन यहाँ पे जो a है वो क्या है आपका एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की तरफ बिहेव करेगा, कांस्टेंट मतलब x की पावर n वाला रूल लगेगा। ठीक है, ये कहानी हो गई। अब आते हैं यहाँ पे w पे, तो यहाँ w कितना दे रखा है, यहाँ दे रखा है a की पावर x का, और आपको पता है a की पावर x का डिफरेंशिएशन आपको उम्मीद करते पता होगा क्या हो जाएगा डी डब्ल्यू बाई डी एक्स हो जाएगा, और a की पावर x का डिफरेंशिएशन यानी कि a की पावर x लॉग ए होता है, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, फिर उसकी अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे ये चीज़ हो गई। अब क्या करेंगे, अब बचा डी जेड वाला, यानी कि जेड इक्वल टू कितना दे रखा है ए की पावर ए दे रखा है, तो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे। अब देखिए यहाँ दोनों चीज़ क्या है, दोनों चीज़ कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, तो हमने क्या, हमने सबकी वैल्यू निकाली, किसकी यानी कि हमने सर निकाली डी, इसकी वैल्यू भी निकाल ली हमने सर निकाली, हमने इसकी वैल्यू भी राइट कर ली, हमने सर इसकी वैल्यू भी निकाल ली थी, अब क्या करें हमने सर इसकी वैल्यू भी निकाल ली, इन चारों की वैल्यू उठा के कहाँ रहा है क्वेश्चन फर्स्ट में रख देते हैं, यहाँ रखेंगे क्या फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा, इधर चल रहा है आपका डी यू बाई डी वाई बाई डी एक्स चल रहा है, चलने दीजिए डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू सबसे पहले थी क्या निकाली, यहाँ निकाली हमने क्या एक्स की पावर एक्स ब्रेकेट में वन प्लस का लॉग एक्स प्लस, उसके बाद डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू हमने कितनी निकाली ए एक्स की पावर ए माइनस का वन प्लस, उसके बाद हमने निकाली डी डब्ल्यू बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी निकाली, हमने निकाली ए की पावर एक्स लॉग ए हमने निकाला प्लस का। ठीक है, उसके बाद हमने क्या निकाला, हमने डी डी जेड अपॉन डी एक्स निकाला कितना जीरो, तो जीरो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, यानी कि प्रॉपर बस यही चीज़ आपकी बन जाएगी, तो क्या हो जाएगा यही आपका आंसर होगा। तो उम्मीद कर रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन अब आपको कहीं भी मिलेंगे, कैसे मिलेंगे तो आप अच्छे से कर सकते हैं। ये थोड़ा इसलिए मैंने फास्ट किया क्योंकि ये सब क्वेश्चन मैं आपको एक्सरसाइज में करा चुका था, वहाँ प्रॉपर आपको लॉजिक मैंने बताया, वही चीज़ आपको यहाँ पे एडजस्ट करनी है। तो उम्मीद करें सारी चीज़ें बिल्कुल आपको अच्छा समझ आई होगी, आज जितने भी हमने क्वेश्चन किए हर टाइप के क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुका था, लेकिन थोड़ा सा रिविजन के तौर पर मैंने कराया। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन मैंने स्किप किए हैं उसको प्रॉपर आप करिएगा, अगर चीज़ें नहीं आती हैं जो आपके नोट्स में प्रॉपर वहाँ देखिएगा, वहाँ भी चीज़ें समझ नहीं आती हैं देन आप मुझसे कॉन्टैक्ट करिएगा, चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी, बस आपको मेहनत करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस से ही आप ये बिल्कुल परफेक्ट बन सकते हैं डिफरेंशिएशन में, है ना। तो उम्मीद करें आप पढ़ रहे होंगे, अच्छे से होंगे और सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज वीडियो संबंधित नोट्स प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।